तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि थर्मोडायनामिक्स के 9th लेक्चर है, तो इसमें हम आपको बताएं गैलुलोक्स का लॉ क्या था, उनका बेसिकली नियम क्या था। तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि प्रेशर जो होता है हमारा, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर जिसको बात करते हैं, पी होता है, वो हमारा क्या होता है, जो वेरीज करता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरीज करता है। जहाँ पर वैल्यूम क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। वैल्यूम क्या रहता है दोस्तों, कांस्टेंट रहता है, मतलब वैल्यूम चेंज नहीं होता है। जैसे मानकर चलते हैं कि ये हमारी कोई सिलेंडर है और पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है, तो इसके अंदर आपकी कोई परफेक्ट गैस भरी हुई है, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर मान लेते हैं इसके अंदर गैस भरी हुई, ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि प्रेशर जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है, जिस हिसाब से हम टेम्परेचर देंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर किस टेम्परेचर के उसी हिसाब से टेम्परेचर आपका वेरी करेगा, ठीक है। ये तो कंडीशन हो गई। और दूसरी चीज़ हम इसमें एक और चीज़ समझने के, परफेक्ट गैस के लिए है, किसके लिए है, परफेक्ट गैस के, गैलुलोक्स का लॉ क्या है, परफेक्ट गैस, ठीक है, पूरी तरीके से परफेक्ट गैस के लिए है। परफेक्ट गैस के लिए ये तो हम आपको बता चुके थे, एक तो एक परफेक्ट गैस पी वी बराबर एन आर टी के रूल को फॉलो करती है। पी वी बराबर क्या होता है, एन आर टी, जिसमें पी प्रेशर होता है, वी वैल्यूम होता है, एन नंबर ऑफ मोल होता है, आर क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है। ये इतनी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, पी वी बराबर एन आर टी, ये फार्मूला होता है हमारा गैस के रूल के लिए, गैसेज रूल के लिए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है, गैसेज रूल के लिए क्या होता है, पी वी बराबर एन आर टी, ये पूछता है कभी कभी। और एन यहाँ से आर, आर की वैल्यू आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर होगा जो आप गैस लोगे उस हिसाब से टेम्परेचर रहेगा उसका, फिर प्रेशर वैल्यूम नंबर ऑफ मोल आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो परफेक्ट गैस के लिए प्रेशर जो वेरी करता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है, जब वैल्यूम क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, वैल्यूम कॉन्स्टेंट है, वैल्यूम क्या है, कॉन्स्टेंट है। वैल्यूम कॉन्स्टेंट कैसे है, मान लेते हैं अगर जो ये क्या है, ये 5 m³ है, तो वैल्यूम इतना ही रहेगा, वैल्यूम में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। ये गैलुलोक्स ने बताया था कि वैल्यूम में कोई भी किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा दोस्तों, तो ये गैलुलोक्स ने आपका बताया था। तो प्रेशर इज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहाँ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या हो जाता है दोस्तों, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये जब प्रोपोर्शनल हो जाता है तो P1T1 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, P2T2 आ जाता है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है, P3T3। आप यहाँ से भी समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे हम कर ले पी बराबर सी टी कर लें, तो पी ए टी आपका नीचे चला गया, P1T1 P2T2, इसमें इसका मतलब क्या, प्रेशर वैरी कर रहा है टेम्परेचर के हिसाब से वैरी कर, इसमें भी प्रेशर वैरी कर रहा है टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर के हिसाब से वैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, ये बताया था आपको गैलुलोक्स लॉ, ठीक। तो दोस्तों हम बताइए कि ये लॉ आपकी समझ में आया कि नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, देन सब्सक्राइब मेरे माई चैनल एंड इंक्रीज माई व्यूवर्स एंड इंक्रीज सब्सक्राइबर टू इंजीनियरिंग अमतेज क्लासेस चैनल, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।